आज दोपहर को एक बुरी खबर मिली, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमले की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप भी यही सोचेंगे कि नक्सलियों का नरसंहार कब होगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, इसमें 6 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के चोलनार गांव में आईडी ब्लास्ट किया, हमले में 1 जवान घायल है। आज सुबह नक्सलियों ने आईडी बिछाकर छत्तीसगढ़ पुलिस के वाहन को ब्लास्ट से उड़ा दिया। जवान सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा देने जा रहे थे, रास्ते में ही उन पर हमला हुआ। नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस वाहन में 7 जवान थे, धमाके से वाहन के परखच्चे उड़ गए। ये हमले वाली जगह की तस्वीरें हैं, ब्लास्ट की वजह से वाहन के कई टुकड़े हो गए हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। ये घटना हुआ किरंदुल से चोलनार मार्ग में हुआ है, उसमें ऑपरेशन ड्यूटी में थे हमारा जवान, जो 7 जवान में थे, 6 इनिशियली 5 स्पॉट में उनके डेथ हो गए थे। ये एक इलाज के दौरान उसका हॉस्पिटल में डेथ हुआ है और ये कभी उनके इलाज जारी है और टोटल इस व्हीकल में 7 लोग सवार थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे, उस समय सीमा पर बीएसएफ जवान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान को ऐसा पस्त किया कि बेरहम पाकिस्तान को रहम की भीख मांगनी पड़ी। सीजफायर तोड़ने पर जब बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान डर गया। पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह कर दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने आज फायरिंग रोकने की गुजारिश की। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, जिस पर बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के 1 जवान शहीद हो गए, 4 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। बीएसएफ ने पाकिस्तान के बंकर तबाह होने का वीडियो जारी किया है। ये बीएसएफ पोस्ट है जहां से पाकिस्तान की पोस्ट पर जबरदस्त हमला किया गया। वी हैव गिवन द रिप्लाई एंड देन यू मे फाइंड आउट एंड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द चैनल्स ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द काउंटर पार्ट एंड देन यू कैन सर्च एंड देन यू विल कम टू नो दैट हाउ मच डैमेज वी हैव क्रिएटेड टू द काउंटर पार्ट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी, कांग्रेस की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह दावा किया है। आज अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। वो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भ्रष्टाचार था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को उसका हक दिलाया। अमित शाह ने पड़ोसी देशों से बेहतर हुए संबंध का भी जिक्र किया और एक्ट ईस्ट की उपलब्धि को गिनाया। 8 में से 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। मैं मानता हूं 1 राज्य बचा है, वो चुनाव आने वाला है, उसके बाद जब बैठक करेंगे तो 8 मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे और नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कर्नाटक में गठबंधन की सरकार बनने से पहले तकरार शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस को ये जता देना चाहती कि गठबंधन का स्वामी वही है। कर्नाटक कैबिनेट में कांग्रेस को कितनी जगह मिलेगी, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। बेंगलुरु में खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट में हिस्सेदारी पर हाईकमान फैसला लेगा। खड़गे के बयान से सरकार बनने से पहले ही मंत्रियों के कोटे को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गे ने ये भी जता दिया कि उन्हें ज्यादा सीटें मिली हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी हैं और उन्होंने जेडीएस जैसी क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जेडीएस से दोगुनी सीटें हैं, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से यही लगता है कि कांग्रेस कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में जेडीएस के 13 जबकि कांग्रेस के 20 विधायक मंत्री बनेंगे। ये सब तो हमारे हाईकमान डिस्कस करेगी, जरूर हमको तो जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मिलकर काम भी करेंगे,
और जिन उसूलों के लिए हम दोनों लड़ रहे हैं उन उसूलों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना है वो अपनाना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है, दो पार्टियों का जो एक दूसरे के आइडियोलॉजिकली क्लोज हैं, ये उनका पोस्ट पोल अलायंस है और ये अलायंस लंबा चलेगा। एच डी कुमारस्वामी कल दिल्ली जा रहे हैं, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलेंगे, कर्नाटक में मंत्री कोटे पर चर्चा होगी। इस बीच एच डी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण की तारीख बदल गई है। एच डी कुमारस्वामी 23 मई को कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा। कल शाम जेडीएस ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। समारोह में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, इसलिए ये फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस के 13 और कांग्रेस के 20 विधायक मंत्री बनेंगे। जी परमेश्वर डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कल बीएस येदुरप्पा ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कुमारस्वामी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी। मंडे राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी इज डे, दैट इज नॉट द प्रॉपर डेट, दिस ओथ टेकिंग सेरेमनी इज नॉट गुड, फॉर दैट रीजन वी डेफर इट टू वेडनेसडे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने राजनीतिक मतभेद की सारी हदें पार कर दी और एक राज्यपाल के लिए अपशब्द बोल दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम के विवादित बयान के लिए राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में संजय निरुपम के बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। कल संजय निरुपम ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। निरुपम ने कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला के लिए अपमानजनक बात कही थी। संजय निरुपम कर्नाटक में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए। सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद संजय निरुपम ने माफी मांग ली। संजय निरुपम ने एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी बात कही जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। इसी के बाद बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। देखिए, संजय निरुपम ने राहुल गांधी की तरह ही भाषा की मर्यादा तोड़ी, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और राहुल गांधी जी को संजय निरुपम के इस बयान पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही अपने नेताओं को सादगी का सबक दें, लेकिन लगता है कि नेताओं से सत्ता की अकड़ छूटी नहीं रही। यूपी में बीजेपी विधायक ने एक एसपी से बदसलूकी की, वीडियो वायरल हो रहा है। बदसलूकी का आरोप इलाहाबाद में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर लगा है। इलाहाबाद में कल सीएम योगी का कार्यक्रम था, उसी में जाते वक्त बीजेपी विधायक एसपी से भिड़ गए। हर्षवर्धन वाजपेयी इलाहाबाद नॉर्थ से बीजेपी के विधायक हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बाघंबरी गद्दी मठ की सुरक्षा में तैनात एसपी ने जब विधायक को अंदर जाने से रोका तो वो भड़क गए। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने एसपी से कहा कि तुम लातों के भूत हो, लातों से मानते हो। चश्मा पहने कुर्ते में ये बीजेपी विधायक हैं, जो एसपी यमुना पार से बदसलूकी कर रहे हैं। मठ के अंदर सीएम योगी थे, जिनसे मिलने के लिए विधायक वहां पहुंचे थे। आगरा में एक मूर्ति लगने का आदेश आया, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन पता लगा कि ये मूर्ति किसी दूसरी मूर्ति को हटाकर लगेगी, बस इस पर घमासान मच गया। यूपी में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति हटाने के आदेश पर विवाद हो गया है। आगरा नगर निगम में लगी बाबा साहेब आम्बेडकर की एक मूर्ति को हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में यूपी के संस्कृति निदेशालय ने 25 अप्रैल को आदेश दिया, जिस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने सीएम योगी को इस बारे में 5 बार चिट्ठी लिखी थी।
जिस पर डॉक्टर आम्बेडकर की एक मूर्ति को हटाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने का आदेश दिया गया है। अभी आगरा नगर निगम में डॉक्टर आम्बेडकर की दो मूर्तियां हैं, इन्हीं में से एक को हटाने के आदेश दिए गए हैं। आगरा नगर निगम के दलित काउंसलर्स ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। संस्कृति विभाग ने डीएम और एसएसपी आगरा से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने मुख्यमंत्री को लेटर लिख के गुजारिश की है कि नगर निगम परिसर में जो दो मूर्तियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगी हुई हैं, उनमें से छोटी मूर्ति को हटाकर वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित की जाए। शराब पीना वैसी सेहत के लिए हानिकारक है, उस पर भी अगर कोई मिलावटी शराब पी ले तो जान खतरे में पड़ जाती है। यूपी में भी यही हुआ, शराब ने लोगों को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना कानपुर देहात के मंडौली गांव की है, 2 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। कल शाम इन लोगों ने शराब पी थी, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां आज मौत हो गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। शराब ठेके के एक सेल्समैन से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कल शराब पीते ही कुछ लोगों को उल्टियां होने लगी, अस्पताल में मौत हो गई। गांव के लोगों में मौत को लेकर गुस्सा है, मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दुकानों को चेक करने के लिए आबकारी, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम का गठन करके बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है। क्योंकि प्राइमा फेसी ये मामला आ रहा है कि लाइसेंसी की दुकान से ही पी के इनकी मृत्यु हुई, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही जो ठोस तथ्य प्रकाश में आए निश्चित रूप से कार्य। गुजरात से एक अजीबोगरीब खबर आई है, एक सरकारी अधिकारी ऑफिस नहीं जा रहे। ऑफिस वालों ने पूछा कि दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हो, तो जनाब खुद को भगवान का अवतार बताने लगे। कहते हैं कि ऑफिस जाऊं या तपस्या कर देश को बचाऊं। गुजरात में एक सरकारी अफसर ने खुद को भगवान का अवतार बताकर ऑफिस आने से ही मना कर दिया। मामला राजकोट का है। इंजीनियर रमेश चंद्र ने दावा किया कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, वो तपस्या में लीन है, इसलिए दफ्तर नहीं आ सकते। 8 महीने में सिर्फ 16 दिन ही रमेश चंद्र ऑफिस गए हैं। जब ऑफिस से नोटिस आया तो जवाब में उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताया। करीब 51 साल के रमेश चंद्र सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी में काम करते हैं। रमेश चंद्र का दावा है कि मार्च 2010 में उन्हें दिव्य शक्तियों का पता चला था। ऑफिस की तरफ से मिले नोटिस के जवाब में रमेश चंद्र ने कहा कि आप तय करिए, मैं ऑफिस आकर टाइम पास करूं या तपस्या करके देश को सूखे से बचाऊं। ये रमेश चंद्र हैं, जिन्हें ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन घर पर आराम से झूला झूल रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, जल्द पता चल जाएगा। कल के अवतार ही हूं, लेकिन हस्तिनापुर की सभा के सदस्य को जिस तरह से कृष्ण में संधि के वक्त भगवान दिखाई नहीं देता था, उसी तरह आप भी मुझ में अभी भगवान नहीं देखते। कृष्ण अवतार में जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगने में हस्तिनापुर की राज्यसभा में गया था, उसी वक्त राज्यसभा के सभी सदस्य आप जिस तरह से हंस रहे हैं, उसी तरह से मुझ पर हंस रहे थे। सतयुग की स्थापना हो चुकी है, उतना देश को पता चल जाए वो मेरे लिए काफी है। सतयुग की स्थापना 16 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे हो चुकी है, इतना लोगों को समझ में आ जाए तो काफी है।